नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जो फिल्मों में एक्ट करता था और बाद में उसका नाम ही भारत कुमार बन गया। जी हाँ दोस्तों, वो एक्टर है मनोज कुमार। एक किस्सा बहुत ही प्यारा है। जब भगत सिंह की माँ की गोद में सिर रख कर रोए थे मनोज कुमार, हर इंसान को उसकी ज़िंदगी में एक बार किस्मत का इशारा ज़रूर मिलता है। ये इशारा बताता है कि आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि किस्मत का यह इशारा कुछ ही लोग समझ पाते हैं, और जो समझ जाते हैं उनका नाम इतिहास में अमर हो जाता है। ऐसा ही एक इशारा मिला था पाकिस्तान में जन्मे एक बच्चे को, जिसका नाम था हरिकिशन गिरी गोस्वामी। अधिकांश लोग इस नाम से वाकिफ़ नहीं होंगे, क्योंकि ये नाम मिटा दिया गया इसकी जगह से। जो नया नाम सामने आया उसे लोग मनोज कुमार के नाम से जानते हैं। वही मनोज कुमार जिन्होंने देशभक्ति से लबरेज कई शानदार फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता था। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। आज भी जब कभी इस गाने की धुन बजती है, लोगों की आंखों के सामने मनोज कुमार का चेहरा आ जाता है। हरिकिशन गिरी गोस्वामी से मनोज कुमार बनने तक की कहानी आज हम आपको बताते हैं दोस्तों, कि कैसे कैसे मनोज कुमार फिल्में करते करते भारत कुमार बन गए, मनोज कुमार बन गए। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान के एबटाबाद यानी के तब भारत में जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। वह मात्र 10 साल के थे तभी उन्हें अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। अपने एक इंटरव्यू के दौरान मनोज कुमार ने बताया था कि वे रिफ्यूजी कैंप में भी रहे और इस दौरान उन्हें काफ़ी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा था। इसी दौरान उनका छोटा भाई भी चल बसा। इस घटना के बाद से हरी बहुत उग्र हो गए थे, मारपीट शुरू कर दी, पुलिस के डंडे तक खाने पड़े थे। हरी की इन्हीं हरकतों से तंग आकर उनके पिता ने उन्हें मारपीट ना करने की कसम दिलाई थी। बाद में उनका परिवार दिल्ली आकर रहने लगा। हरी ने अपनी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से पूरी की। मनोज कुमार की बचपन से ही फिल्मों में रुचि रही थी। उनकी इसी रुचि ने उनकी ज़िंदगी को एक नई दिशा भी दी। उस समय के उभरते सितारे दिलीप कुमार की शबनम में मनोज कुमार उनके किरदार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम मनोज रख लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म में दिलीप साहब द्वारा निभाए किरदार का नाम भी मनोज था। हरी ने सोच लिया था कि जब कभी अभिनेता बनेंगे तब अपना नाम मनोज कुमार ही रखेंगे। तब उन्हें भी कहाँ पता था कि उनका नाम मनोज कुमार तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपनी देशभक्ति से लवरेज फिल्मों के लिए वह भारत कुमार के नाम से भी जाने जाएंगे। मनोज कुमार ने अपनी सौम्य और सशक्त अभिनय शैली से एक अमिट पहचान बनाई। फिल्मों में उनके शानदार अभिनय के साथ साथ एक यह बात खास है कि ज़्यादातर फिल्मों में उनके किरदार का नाम भारत था। यही कारण था कि उन्हें भारत कुमार के नाम से नई पहचान मिली। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अपना भाग्य आजमाने वो मुंबई पहुंच गए थे। बड़ी मुश्किल से मिली थी मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म, जिसके लिए बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ी थी मनोज कुमार को। निर्देशक लेखराज भाखरी मनोज कुमार के बुआ के लड़के थे। पर वो किसी काम से दिल्ली आए, उन्होंने मनोज कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि तुम तो बिल्कुल हीरो की तरह लगते हो। अब मनोज कुमार तो फिल्मों में अभिनेता बनने के सपने पहले ही सजाए हुए थे। इस पर मनोज ने भी कह दिया तो बना दो हीरो। लेखराज लौट गए बम्बई। कुछ समय बाद अपनी किस्मत आजमाने मनोज भी बम्बई पहुंच गए। मनोज के सपने तो बड़े थे, मगर उन्हें इस बात के बारे में मालूम नहीं था कि बम्बई पहले इंसान को परखती है, फिर मौका देती है। मनोज 6 महीने खाली बैठ रहे। इस इंतज़ार से तंग आकर एक दिन पहुँच गए भाखरी साहब के घर और कहने लगे कि और कितना इंतज़ार करना होगा मुझे फिल्मों में आने के लिए। इस पर भाखरी साहब का जवाब लाजवाब कर देने वाला था।
उन्होंने मनोज को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, अभी तो तुम्हारा एक जूता तक नहीं घिसा, लोगों की यहाँ जिंदगी घिस जाती है। मनोज कुमार इस बात पर एकदम चुप हो गए। बाद में भाकरी साहब ने मनोज कुमार को अपनी फिल्म फैशन में एक छोटा सा रोल दिया। कहने को तो उन्होंने मनोज से कहा था कि तुम हीरो लगते हो, लेकिन रोल दिया था एक बूढ़े भिखारी का। मगर जो भी हो, इस रोल से मनोज कुमार की हिंदी सिनेमा जगत में एंट्री हुई। इस तरह मनोज वर्ष 1957 से 1962 तक फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन एक बात यह अच्छी रही कि वे ना कभी निराश हुए, ना ही दोबारा पीछे मुड़कर देखा। फिल्म फैशन के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली, वह उसे स्वीकार करते चले गए और फिल्मों में काम बैक टू बैक करते चले गए। कांच की गुड़िया 1960 में मनोज कुमार को पहली बार मुख्य भूमिका में लिया गया था। 1960 के दशक में उनकी रोमांटिक फिल्मों में हरियाली और रास्ता, दो बदन के अलावा हनीमून, अपना बना के देखो, नकली नवाब, पत्थर के सनम, साजन, सावन की घटा और इनके अलावा उन्होंने अपने हुए पराए, पहचान, आदमी, शादी, गृहस्थी और गुमनाम वो कौन थी जैसी फिल्मों में काम किया था। उसके बाद हम बताते हैं आपको कि जब भगत सिंह की माँ की गोद में सिर रखकर रोए थे मनोज कुमार, तो क्या कहा था उन्होंने। वैसे तो एक रोमांटिक हीरो के तौर पर मनोज साहब फिल्म जगत में अच्छी पहचान बना रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ कमी तो थी, उन्हें कुछ अलग करना था। ये अलग तब हुआ जब मनोज कुमार को एस राम शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म शहीद में काम करने का मौका मिला। शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित ये फिल्म मनोज कुमार के जीवन का वो मोड़ साबित हुई जहां से दर्शकों के लिए उनकी छवि ही बदल गई। इसी फिल्म के सिलसिले में मनोज कुमार शहीद भगत सिंह की मां और उनके भाइयों से भी मिले थे। मनोज कुमार को शहीद फिल्म में शहीद भगत सिंह का किरदार निभाना था। जब फिल्म पर काम शुरू हुआ, तब मनोज कुमार और उनकी टीम चंडीगढ़ में थी। उन्हें पता चला कि भगत सिंह की माताजी को इसी शहर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके बाद मनोज साहब ने शहीद भगत सिंह की मां से मिलने की इच्छा जताई, अस्पताल पहुंच गए। यहीं उनकी मुलाकात शहीद भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त से भी हुई थी। मनोज के लिए उस मुलाकात के दौरान दो बार ऐसा अवसर आया जिसे वह आज भी अपना सौभाग्य मानते हैं। पहला सुखद अवसर तब आया जब शहीद भगत सिंह के भाई उन्हें माँ के पास ले गए। उन्होंने मनोज साहब को माँ से मिलवाते हुए कहा, माँ ये वीरे की तरह नहीं दिखते। इस पर माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, काफी हद तक। दूसरा अवसर तब आया जब मनोज कुमार शहीद भगत सिंह की माँ की गोद में सर रख कर रो पड़े थे। इन दोनों मौकों के लिए मनोज साहब आज भी खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। इस बात का जिक्र मनोज साहब ने अपने एक लेख में किया है जो उन्होंने 2002 में लिखा था। एक किस्सा और बताते हैं हम आपको कि तत्कालीन पीएम ने मनोज कुमार से क्या आग्रह किया था। जी हाँ दोस्तों, ये सिनेमा का वो दौर था जब पर्दे पर देशभक्ति फिल्मों की कुछ खास पहल नहीं थी। फिल्म बनाने वालों को शायद लगता हो कि देशभक्ति फिल्मों से वे कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन मनोज कुमार ने उनकी इस सोच को बदल दिया। उन्होंने देश प्रेम की भावनाओं पर केंद्रित एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में बनाई और लोगों का बेशुमार प्यार बटोरा था। उसमें फिल्में हैं शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम से शुरू हुआ उनका सफ़र, फिल्म क्रांति तक लगातार जारी रहा। उनकी फिल्मों में आम दर्शकों में देश प्रेम का ऐसा जज्बा जगाया कि देशभक्ति को केंद्र में रखकर और भी फिल्मकार फिल्में बनाने लगे। मनोज कुमार के इस देश प्रेम से भरे कदम को केवल उस समय के दर्शकों ने ही नहीं, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी खूब सराहा था। जब मनोज की फिल्म शहीद पर्दे पर आई, उस समय देश में जंग का माहौल था। इसी बीच इस फिल्म को लाल बहादुर शास्त्री ने भी देखा।
1965 के भारत पाक युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने मनोज साहब से ये आग्रह किया कि वह जय जवान जय किसान के नारे को ध्यान में रखते हुए भी कोई फिल्म बनाएं, जो उन लोगों के लिए एक सीख हो जो अपनी ज़मीन और खेती छोड़कर दूर दूसरे देश और बाज़ारों में बस जाते हैं। प्रधानमंत्री के इस आग्रह के बाद मनोज साहब दिल्ली से मुंबई के लिए रेल यात्रा कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने इस रेल यात्रा के दौरान ही उपकार फिल्म की कहानी लिख दी थी। इसे 24 घंटे का समय लगा और जल्द से जल्द फिल्म पर काम शुरू हो गया। 1967 में ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन अफसोस कि इससे पहले ही शास्त्री जी का निधन हो चुका था। एक और बहुत ही रोचक किस्सा है जो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाओगे दोस्तों, कि बुरे वक्त में भी अमिताभ बच्चन का सहारा बने थे मनोज कुमार जी। जी हाँ, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे मनोज कुमार जी। कहते हैं कि अगर मनोज कुमार नहीं होते तो आज हमारे बीच मेगा स्टार कहे जाने वाले अमिताभ जी का भी कोई अस्तित्व ना बचा होता। मनोज कुमार सिनेमा जगत की मल्टी टैलेंटेड हस्ती थे। अभिनय से शुरू हुआ उनका सफ़र, निर्देशन, फिल्मों की पटकथा, लेखन, प्रोडक्शन, गीत लेखन जैसे कई महत्वपूर्ण पड़ाव से होकर गुजरा, जिससे मनोज साहब ने अपनी एक नई पहचान बनाई। मनोज साहब ने शोर, उपकार, पूरब पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। इसी दौर में अमिताभ बच्चन कोशिशें कर करके हार चुके थे। वह अब अपने माता पिता के पास दिल्ली लौटने वाले थे। यह बात मनोज साहब को पता लग गई। वह नहीं चाहते थे कि बच्चन साहब मुंबई छोड़कर जाएं। उन्हीं दिनों मनोज साहब अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान को बनाने की तैयारी में जुटे थे। उन्होंने बच्चन साहब को इस फिल्म में एक रोल ऑफर करते हुए उन्हें रोक लिया। उसके बाद बच्चन साहब के साथ क्या हुआ, ये आज हम सब जानते हैं। वैसे तो मनोज कुमार बेहद ही साफ छवि के लिए जाने जाते हैं, मगर फिर भी उन्हें लेकर कुछ एक विवाद हो ही गया। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, फिर भी विवाद तो विवाद ही होता है। स्वर्गीय राज कपूर मेरा नाम जोकर फिल्म में मनोज कुमार की छोटी सी भूमिका चाहते थे। इसी संबंध में एक बार उन्होंने मनोज साहब को फ़ोन लगाया, मगर फ़ोन पर राज कपूर के साथ बहुत रूखे ढंग से बात की गई। दोनों अच्छे दोस्त थे, बावजूद इसके राज कपूर को लगने लगा जैसे मनोज उनसे दूर भाग रहे हो। जब ये बात मनोज साहब को पता चली तो उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने राज कपूर से बात ही नहीं की थी। इसके बाद दोनों मिले और मनोज साहब ने राज कपूर को ये कहा कि उनके साथ काम करना एक कर्मयोगी के साथ काम करने जैसा है। इस बात पर राज कपूर भावुक होकर मनोज कुमार की गोद में सिर रखकर रोने लगे थे। इसके अलावा एक विवाद तब खड़ा हुआ जब फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने फिल्म में एक ऐसा सीन रखा जिसमें मनोज कुमार साहब की नकल की गई थी। मनोज साहब इससे काफ़ी नाराज़ हुए, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने उनसे माफ़ी मांग ली। मनोज साहब ने भी उन्हें माफ़ कर दिया था। एक और बहुत ही रोचक किस्सा है, पटकथा लेखन के रूप में मात्र 11 रुपये लेने वाले थे मनोज कुमार। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में पटकथा लेखन के रूप में मात्र 11 रुपये फीस लेने वाले मनोज कुमार अपने सिने करियर में 7 फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इन सब के साथ ही फिल्म के क्षेत्र में मनोज के उल्लेखनीय योगदानों को देखते हुए उन्हें वर्ष 2002 में पद्मश्री पुरस्कार, वर्ष 2008 में स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और वर्ष 2016 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 24 जुलाई 2020 को मनोज कुमार 83 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने सिनेमा को केवल बेहतरीन फिल्में ही नहीं, बल्कि उनके मध्य से लोगों में देशभक्ति की भावनाएं भी जागी हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों तक ऐसे गीत पहुंचाए हैं जिन्हें सुनते ही हम अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान से भरे जाते हैं। ऐसे बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति के जन्मदिन पर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं।